हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीए ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि'स प्रेजेंट एज? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? रवि की प्रेजेंट एज। तो इसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट रवि'स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। हमने रवि की प्रेजेंट एज को क्या अज्यूम कर लिया? एक्स ईयर। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी। अब 15 इयर्स फ्रॉम नाउ प्रेजेंट एज के बाद 15 इयर्स के बाद एज फाइंड करेंगे। 15 इयर्स आफ्टर 15 इयर्स रवि एज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15 इयर्स। जब प्रेजेंट एज उसकी एक्स है तो 15 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15 इयर्स। अब ये बोल रहे हैं 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 इयर्स बाद जो रवि की एज थी एक्स प्लस 15, वो कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज की? 4 टाइम्स, इट मीन 4 मल्टीप्लाई एक्स। ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंप्लाइज देम। अब देखिए x प्लस 15 इक्वल टू 4x, x वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये x प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, प्लस 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 1। अब बड़े वाले टर्म्स देखिए नेगेटिव है और छोटी पॉजिटिव, माइनस करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से x माइनस करेंगे 3x, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए माइनस 3x इक्वल टू माइनस 1। दोनों साइड देखिए माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, x के मल्टीप्लाई में 3 है, वो डिवाइड में पहुंच जाएगा x इक्वल टू 15 अपॉन 3। 3 बन जाए 3 और 3 5 से 15, तो यह आया हमारे पास 5 अपॉन 1 मीन्स 5। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। और x हमने क्या अज्यूम किया था? रवि'स प्रेजेंट एज। हेंस रवि प्रेजेंट एज इक्वल टू 5 years। रवि की प्रेजेंट एज कितनी है? 5 years। आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बोल रहा है ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो रेशनल नंबर तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे रेशनल नंबर को? x। लेट द रेशनल नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2। x हमारे पास रेशनल नंबर है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/2 एंड ऐड, और ऐड क्या करना है? 2/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू द प्रोडक्ट यू, मतलब प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है? 2/3, यहां तक कंप्लीट। यू गेट -7/12, तो हमें क्या मिलता है? इट मींस इक्वल में क्या आएगा? -7/12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इक्वेशन बनानी है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और अपॉन में 2,
प्लस 2/3 को उधर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 7/12 तो ऑलरेडी इधर है, माइनस 2/3। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 और 12, इसमें एलसीएम लेंगे 3 और 12 का एलसीएम, देखते हैं क्या है, 3 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 2 4 4 4 3 12, तो इसका एलसीएम आया 12। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 में 12 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से, तो माइनस 7 × 1 माइनस 7, माइनस का साइन, 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 2 8 ये आएगा। देखिए सेम साइन में ऐड होता है उसी साइन के साथ, 8 और 7 कितना हो गया 15, माइनस 15/12। अब देखिए 5x/2 = -15/12 की x की वैल्यू फाइंड करनी है, -15/12 मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड वाला किस में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, बताया आपको साइन चेंज हो जाते हैं, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 6 12, 5 1 5 5 3 15, तो आया हमारे पास देखो 3 6 3 1 3 3 2 6, तो आया हमारे पास माइनस का 1/2, तो वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आई 1/2, माइनस का ये माइनस 1/2, लेकिन एक्स हमने क्या अज्यूम किया था, लेट द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर था हमारे पास एक्स, हेंस द रैशनल नंबर is -1/2 answer।